हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑडोकार। सो आज हम लोग बात करने वाले निसान मैग्नाइट के बारे में, जो अपने सेगमेंट की बेहतरीन फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। एंड यहाँ पे आपको इसमें बेसिक वेरिएंट से काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड ये इसका टॉप वेरिएंट एक्सयूवी प्रीमियम, तो आज इसी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बात करेंगे इस कार के प्राइसिंग की, देन फीचर्स के बारे में। तो आपको इसमें 360 कैमरा से लेकर और काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइस रेंज की बात करें तो 5,97,000 से इसका एक्सयूवी बेस वेरियंट स्टार्ट हो जाता है, एंड टॉप वेरियंट जाता है 10 लाख प्लस तक। एंड वेरियंट्स की बात करें तो आपको इसमें इसका बेस एक्सी, देन एक्सएल, एक्सवी एग्जीक्यूटिव, एक्सवी, एक्सवी प्रीमियम, जैसे आपको यहाँ पर 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 1 लीटर में टर्बो नॉन टर्बो दोनों इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं। एंड अभी चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं क्या कुछ दिया गया है, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिलने वाले, जैसे कि आप इसका ये देख रहे हैं सिल्वर कलर। एंड और आगे हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले की देखिए, यहाँ पर रहेगी स्मार्ट की, तो सीधा करते इसको इस तरह कुछ, जहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन निशान का लोगो दिया गया है। एंड अब चलेंगे फ्रंट प्रोफाइल में, तो एकदम बिग बोल्ड ब्यूटीफुल, एकदम मस्कुलर से लुक्स मिलने वाले फ्रंट से। एंड 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मिलती है इस कार में। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो पूरी ब्लैक कलर की, डोमिनेटिंग फ्रंट ग्रिल इसको निशान बुलाता है। यहाँ पे निशान का लोगो दिया गया है। एंड जस्ट उसके नीचे यहाँ पे फ्रंट में कैमरा, बिकॉज 360 कैमरा आपको इसमें ऑफर किया जाता है एक्सयूवी प्रीमियम से। यहाँ पे पूरा क्रोम इंसर्ट ग्रिल के सराउंडिंग, एंड ये आपको क्रोम बेसिक वेरिएंट से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो हाइलोजन बेस इसके हेडलैम्प यूनिट, यहाँ पे साइड में आपको इसके इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एल शेप में इसके DRLs यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बम्पर में आपको ट्विन का ऑप्शन, यहाँ पे इसके फॉग लैम्प्स, और ये इसकी लोअर ग्रिल, एंड यहाँ पे स्किड प्लेट सिल्वर कलर की। नीचे का इस तरह पूरा इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप, और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पे बढ़िया सा मिलने वाला है 205 mm का इस निसान मैग्नाइट के साथ। एंड यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है दूसरा, यहाँ पे ORVM में देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है, एंड लेफ्ट साइड वाले भी ORVM में, एंड बैक में, तो चारों तरफ आपको यहाँ पे कैमरास मिल जाते हैं। यहाँ पे डोर वाइपर का पूरा इसका सेटअप। और अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर अगर इसके हम लोग सेफ्टी की बात कर ले, तो इस कार को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी हुई, तो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कार बन जाती है। इस बजट की तो भाई बेस्ट है अगर देखा जाए इसके प्राइस रेंज से। एंड इसमें अगर थोड़ा आपको स्पोर्टी फील चाहिए, एंड आपका बजट कम है, तो आप इसके जा सकते हैं एक्सवी रेड एडिशन में। वहाँ पे आपको बढ़िया सी ग्राफिक्स दी जाती है, रेड कलर के कैलिपर्स मिल जाते हैं, इसका प्लेट मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग, जैसे काफी सारे फीचर्स आपको एक्सवी वेरियंट से ऑफर किए जाते हैं। और इसके साथ जो कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड कराती है, वो देती है आपको 2 साल 50,000 किलोमीटर की। यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एंड यहाँ पे निशान का लोगो। आगे की तरफ आपको फ्रंट में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाएंगे। टायर सेक्शन टायर साइज की अगर हम लोग बात कर ले, तो 195/60 और 16 इंच के यहाँ पर रेडियल के टायर, इतना गुड ट्रैवल, 24 यहाँ पे ब्लैक कलर की क्लैडिंग। नीचे की तरफ यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग भी आपको ऑफर की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है निशान मैग्नाइट की बैजिंग, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल इंडिकेटर्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी कैमरा, देन देखने में तो काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। यहाँ पे पिलर मैट ब्लैक फिनिश में। ऊपर आते तो स्टैंडर्ड फीचर रूफ रेल्स, पीछे की तरफ शैफ्रन एंटीना आपको एक्सवी से दिया जाता है। यहाँ पे क्रोम हैंडल्स आपको दिए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री, तो ये आपको एक्सवी से दी जाती है कीलेस एंट्री। डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर चलेंगे, तब उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है इसका फ्यूल कैप फिलर, 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है इस कार की। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक्स, यहाँ पे पूरी क्लैडिंग देख सकते हैं ब्लैक कलर की। एंड ये इसकी बैक प्रोफाइल, तो बैक से भी भाई मस्कुलर से आपको लुक्स मिलेंगे। पहले आपको दिखाते हैं डिटेल में क्या कुछ दिया गया, फिर दिखाते हैं आपको प्रॉपर लुक्स। ऊपर यहाँ पे शैफ्रन डिना रूफ रेल्स, देन नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, यहाँ पे डिफॉगर, रियर वाइपर, ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे निशान का लोगो, यहाँ पे मैग्नाइट की बैजिंग। एंड इधर आते हैं तो ये रहे इसकी बैकलाइट्स, सिग्नेचर स्प्लिट बैकलाइट जो हाइलोजन बेस आपको दी जाती है। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके बेसिक वेरिएंट से, तो भाई देख रहे हैं ना, 4-4 आपको सेंसर दे रही कंपनी। डुअल टोन में इसका पूरा बम्पर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, डुअल टोन के आई मीन स्किड प्लेट टाइप की आपको दी जा रही है। नीचे आते तो इस तरह आपको दिखेगा इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, इस साइड इसकी एग्जॉस्ट पाइप। और अब हम लोग चलेंगे इसके बोर्ड स्पेस की तरफ, तो आइए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें मिलता है 336 लीटर का बूट स्पेस, 337 लीटर का। यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखे घूमने निकल जाइए। ये पार्सल ट्रे, डैशबोर्ड का पूरा व्यू, यहाँ पे इसकी बूट लाइट एंड बगल में होक। देन अभी आपको दिखाते हैं इसका स्पेयर व्हील, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील स्टील रिम दिया जा रहा है, इसी के साथ टूल किट्स वगैरह रखी हुई हैं। एंड इन सीट्स को आप 60-40 रेशो में फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप फोल्ड करके और भी सामान रख सकते हैं। तो यही था भाई निशान मैग्नाइट का पूरा बूट स्पेस, तो इसको करते बंद। यहाँ पे कैमरा आपको मिलता है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड इसका सीधा कॉम्पिटिशन होता है रेनॉल्ट काइगर से, भाई इन दोनों में तगड़े कॉम्पिटिशन चलता है। एंड ये जो आप क्रोम बिडिंग देख रहे हैं ना, ये आपको एक्सवी प्रीमियम से दी जाती है, लोअर विंड में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी।
ये थी कार की पूरी बैक प्रोफाइल। तो अभी एक बार आपको इसकी पूरी ओवरऑल लुक्स दिखाते हैं। तो अभी तो थोड़ा कंजेस्टेड खड़ी हुई, तो आपको दूसरी कार के दिखाते हैं। फीचर्स सारे आपको सिमिलर मिलेंगे, बस कलर यहाँ पे चेंज है। एंड बेस वेरिएंट से आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, स्पॉयलर, रूफ रेल्स एंड ऑल फोर पॉइंट व्यू कंट्रोल्स, ये सारे फीचर्स आपको निसान इसमें ऑफर करता है। एंड अभी चलेंगे हम लोग इस कार के इंटीरियर में। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो ये आप इसका देख रहे हैं 1.0 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको मिलती 72 पीएस की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, समथिंग 1819 केएमएल का माइलेज है। एंड टर्बो में जाएंगे तो वही सेम 1 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन, उसमें आपको पावर थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 100 पीएस की पावर एंड 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वही 1920 केएमएल का माइलेज। एंड टर्बो अगर आप लेंगे तो आपको मिलता है एक्सएल से, एंड एक्सवी से आपको दिया जाता है इसमें सीवीटी एंड डुअल टोन का ऑप्शन। हैंडल्स यहाँ पे क्रोम फिनिश में, बढ़िया से रिक्वेस्ट सेंसर, ये रहा इसका डुअल टोन में डोर पैनल, सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे ओआरवी में एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, ऊपर डोर ओपनर, देन नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं इनकी डोर्स में, डैशबोर्ड, ये इसका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट। सीट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल रहने वाला है, एंड यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट, सीट क्लाइंब, दोनों ही चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं। फ्यूल लीड ओपनर, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन के बीसी पैडल्स, बोनट खोलने का लीवर यहाँ पे, देन यहाँ पे स्विच, हेडलैम्प लेवलर। तो आइए बैठते कार के अंदर, फिर देखते इसका पूरा डैशबोर्ड। तो अगर आपको चाहिए टर्बो तो आपको एक्सएल से दिया जाएगा, एंड एक्सवी से आपको इसमें सीवीटी एंड डुअल टोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है निसान मैग्नाइट में। ये इसका पूरा सेंटर कंसोल एंड क्लस्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंजन को, इग्निशन को। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर किया गया। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी से लग रही है, कलरफुल, एंड इसमें आपको कफसर इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे चेकलाइट देख पा रहे हैं, एंड इसी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे कुछ फ्यूल इकोनॉमी, एंड इसी के साथ इसमें आप एवरेज माइलेज रेंज, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसमें चेक कर पाएंगे। तो काफ़ी आपको चार्ज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसके सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग में मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे देख रहे हैं सारी इसकी ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए TPM टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, देखने में काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है इसका पूरा क्लस्टर। यहाँ पे सारे आपको MID के कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल दिए गए राइट साइड, एंड सेंटर में यहाँ पे निसान का लोगो, इस साइड आपको इंफोटेनमेंट, टेलीफोनी के कंट्रोल, लेफ्ट साइड लेदर आप यहाँ पे स्टीयरिंग रहेगा। एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात कर ले इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो इस तरह कुछ आप इसको आगे पीछे टिल्ट एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, ये रहा इसका पूरा सेंटर कंसोल। एंड यहाँ पे जो आपको इसमें एसी वेंट्स मिले ना, ये काफ़ी बढ़िया प्यारे से लग रहे हैं, सिल्वर फिनिश भी चारों तरफ इनकी मिल जाती है। एंड ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो इसमें आपको मिलने वाले 4 स्पीकर एंड ट्यूटर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मीडिया, इसी के साथ कॉल्स, यहाँ पे देखेंगे तो और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड ये इसका 360 कैमरा, तो भाई इस तरह कुछ आपको यहाँ पे इसकी क्लियरिटी एंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो देखने में तो भाई काफ़ी क्लियर लग रहा है, बाकी अब जब इसको चलाएंगे तभी पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से शॉर्टकट भी आप 360 कैमरा स्कॉन कर सकते हैं, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह कुछ एंगल देखने को मिल जाएगा। USB ऑक्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पे, कस्टर कंट्रोल, डिफॉगर, जेड के स्विच, लॉक अनलॉक के बटन्स। नीचे यहाँ पे आपको मिलता है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे USB का पोर्ट एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। ये रहा इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, लेदर टच भी दिया गया, 2 ग्लास होल्डर्स। ये रहा इसका आर्म रेस्ट, खोल के देखते हैं तो भाई ये खुलेगा नहीं, ये पूरा फिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे रहेंगे रियर AC वेंट्स इसी में। और इधर ये रहा इसका डैशबोर्ड, इधर का इसका पूरा डोर पैनल। यहाँ पे आएंगे तो एडजस्टेबल इसका EVM, यहाँ पे इसकी लाइट्स, यहाँ पे सेंसर। इधर आएंगे तो इसका माइक, सनवाइजर में यहाँ पे आपको मिलता है, देखेंगे वैनिटी मिरर। देन इधर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा इसके सनवाइजर में, यहाँ पे इसका हैंडल। देन ग्लव बॉक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो लाइट्स के साथ आपको दिया जा रहा है, देख सकते हैं इतना कुछ स्पेस यहाँ पे रहेगा डिसेंट सा। तो यही था इसका पूरा डैशबोर्ड, एंड पीछे का इस तरह दिखेगा आपको उसका सेटिंग अरेंजमेंट। तो अभी पीछे चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में आती है उस हिसाब से भाई आपको इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, प्लस 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग, इसी के साथ टर्बो नॉन टर्बो एंड और क्या आपको मिलता है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस डुअल टोन कलर ऑप्शन का भी। तो ये था इसका पूरा अंदर का इंटीरियर। अभी चलेंगे सेकेंड वाली रो पे, तो इसको खोलते हैं इसके डोर को। ये इसके डोर पैनल, यहाँ पे आएंगे पावर विंडो का कंट्रोल्स, डोर ओपनर, नीचे स्पीकर्स एंड बॉटल होल्डर दिए गए इनके डोर्स में। सीट्स वही फैब्रिक की, सीट बेल्ट्स, यहाँ पे आर्म रेस्ट,
ये इसके पूरा डैशबोर्ड का व्यू। वायरलेस चार्जिंग का अगर आप ऑप्शन लेना चाहते तो आप लगवा सकते हैं इसमें। यहाँ पे आएंगे तो रियर एसी वेंट्स आपको इसी वेरिएंट से दी जाएंगी। इसी के साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी देखने को मिल जाता है। लोअर वोल्ट में आपको कोई भी यहाँ पर रियर एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। इतना कुछ यहाँ पर लेगरूम थाई सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इधर का डोर यहाँ पर ग्रैप हैंडल एंड हुक, ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है बेसी वेरिएंट से। यहाँ पर पार्सल ट्रे, इसी के साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट, इसमें आपको दो ग्लास होल्डर्स प्लस फ़ोन रखने के भाई स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो भाई बैठते आप काफ़ी आराम से इसमें। एंड अगर इसके कॉम्पिटिटर रेनॉल्ट काइगर की बात कर ले तो इतने बढ़िया लुक्स एंड इतने इसकी सेल्स यूनिट नहीं जितनी इसकी गई, बिकॉज यहाँ पे 1 लाख इसकी पूरी बुकिंग हो चुकी है। तो ये था पूरा निसान मैग्नाइट का एक्सटीरियर। एंड अभी हम लोग बात करें अगर इस कार के डायमेंशन के बारे में, तो आपको इसमें 3994 mm की लेंथ, 1798 mm की विथ एंड 1500 mm की हाइट मिल जाती है इस कार की। व्हील बेस वही मिलता है 2500 mm का। इसी के साथ अगर इसके कलर ऑप्शन के, तो ये आप देख रहे हैं सिल्वर कलर। एंड इसके अलावा उसमें व्हाइट, ब्राउन, रेड, ब्लैक, ब्लू जैसे और 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया सी अपने सेगमेंट की बिग बोल्ड ब्यूटीफुल कार, जो इस सेगमेंट से अगर कंपेयर कर लेना तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको निसान ऑफर करता है जो बेसिक वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें अगर इस एक्सयूवी वेरिएंट की, तो आपको पड़ता है 8,38,000 रूम, 9,55,000 पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, सेंटर लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन एम्बलाइजर, क्रैश सेंसर से काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। एंड अगर आपको इसके बेस वेरिएंट या एक्सयूवी वेरिएंट की वीडियो देखनी, तो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। सो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।